are conjunctions. So conjunction is a word or group of words which connect two or more than two words, phrases, clauses या sentences etc. तो conjunction क्या है, जो दो words को, phrases को, clauses को और sentences को connect करता है ना, यानी कि जो भी दो चीजों को connect करता है तो उसको कहते हैं conjunction कह लो, connector कह लो या linker कह लो. तो ये कंजक्शन, कनेक्टर, लिंकर, जो लिंक दिखाते हैं, जो कनेक्ट करते हैं, उसी को कहते हैं कंजक्शन. तो दो वर्ड को, टू और मोर देन टू, दो या दो से अधिक शब्दों को, फ्रेजेज को, फ्रेजेज आपको पता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स सम मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग, उसको कहते हैं फ्रेजेज. और क्लोज क्या है, क्लोज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी एक सेंटेंस का एक पार्ट और दूसरे सेंटेंस का दूसरा पार्ट, तो उनको कनेक्ट करता है ना क्लोजेस को, वो भी कनेक्टर है. और दो अलग अलग सेंटेंसेज है उनको कनेक्ट करता है, वो भी क्लोज है. ठीक है, तो क्लोज जो भी किसी को कनेक्ट करता है ना वो कंजक्शन है. ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल सीता एंड गीता आर कमिंग, तो यहाँ दो सेंटेंसेज थे, सीता इज कमिंग, गीता इज कमिंग, एक सेंटेंस बना दिया सीता एंड गीता आर कमिंग, तो ये एंड क्या है, कंजक्शन है. ठीक है भाई, तो सी ही सेड दैट ही कुड हेल्प यू, तो ही सेड एक सेंटेंस का पार्ट, तो एक क्लोज का पार्ट तो ये है और एक पार्ट ये है और ये हो गया कनेक्टर. ठीक है, ये कौन सा सबऑर्डिनेटिंग कनेक्टर है, तो अब ये क्या है, ये तो हो गया सबऑर्डिनेट क्लोज और ये हो गया प्रिंसिपल क्लोज. तो दो क्लोजेज को देखो, एक क्लोज ये, एक क्लोज ये, और इनको कनेक्ट कर दिया, तो क्लोज को भी कनेक्ट कर दिया ना. ये सेंटेंसेस थे दो अलग अलग, जैसे सीता इज कमिंग, गीता इज कमिंग, तो इन दोनों को कनेक्ट कर दिया. तो कंजक्शन क्या है, जो दो वर्ड को, फ्रेजेस को, क्लोजेस को या सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है वो क्लोज है. अब दो तरह के कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं, जो इक्वल रैंक होती है, इधर भी प्रिंसिपल इधर भी प्रिंसिपल, जो बराबर होते हैं ना उनको कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. कोऑर्डिनेटिंग जो एक दूसरे को कोऑर्डिनेशन दिखाते हैं, सहयोग करते हैं. और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो एक पीसी होता है और एक एससी होता है और वो एससी उस पीसी पे डिपेंड होता है, तो उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी कि पीसी के बाद सबऑर्डिनेट आता है, यानी पीसी के ऊपर डिपेंड होता है सबऑर्डिनेट. कंजक्शन है जैसे कोऑर्डिनेटिंग है, जैसे कहूं कम और गो, जैसे इसमें कहूं कम मीनिंग क्लियर है भाई, गो मीनिंग क्लियर है, जाइए, जाइए मीन जाइए, कम मीन्स आइए, आइए या जाइए, तो दोनों का मीनिंग क्लियर हो इसमें, तो उसको कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. जैसे यहां भी ये कोऑर्डिनेट कर रहे थे, दोनों इंडिपेंडेंट है ना, लेकिन यहाँ ये इंडिपेंडेंट नहीं है, एक पीसी है एक एससी है. जैसे मैं कहूँ ही सेड, उसने वो उसने जो कहा भाई मीनिंग क्लियर है, लेकिन यदि मैं कहूँ दैट ही कुड हेल्प यू, कि वो तुम्हारी मदद कर सकता, मैं आते ही कहूँ दैट ही कुड हेल्प यू, कि वो तुम्हारी मदद कर सकता था, मीनिंग क्लियर नहीं हुआ है. जब तक इसने ये नहीं कहा आपने ही सेड, उसने कहा कि दैट ही कुड हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद कर सकता था, तो ये जो सेंटेंस है इस पे डिपेंड है ना, ये जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस है या क्लोज है इस पे डिपेंड है ना, तो इसको कहेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. इस दैट को सबऑर्डिनेटिंग और इस एंड को कोऑर्डिनेटिंग और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. तो कंजक्शन का नाम पहचानना आ जाता है कई बार भाई, ये एंड आ जाए और आ जाए बट आ जाए तो ये क्या है, कोऑर्डिनेटिंग, और ये दैट वगैरह है सबऑर्डिनेटिंग. अब वन बाय वन करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो है वो चार ही होते हैं जो कोऑर्डिनेशन दिखाते हैं. तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में है सबसे पहला है कुमुलेटिव कंजक्शन. तो कोऑर्डिनेटिंग है कौन कौन से, और देख लो, एंड बट यट और वाइल, एंड बट यट और वाइल, या कुछ और भी है वो आगे कर लेंगे हम. तो इसमें सबसे पहला कंजक्शन है हमारा कोऑर्डिनेटिंग में. अब कोऑर्डिनेटिंग का पार्ट बताना है आपने, इसका सबसे पहला है कुमुलेटिव. देखो कुमुलेटिव कंजक्शन, कुमुलेटिव कंजक्शन का मतलब होता है इट एड्स समथिंग, इट एड्स वन टू अनदर, यानी इट एड समथिंग टू वन पार्ट टू अदर पार्ट, एक पार्ट में से दूसरे पार्ट में कुछ ऐड करता है,
एड्स वन टू अदर, एक चीज को दूसरी चीज से मिलाता है, इसको कहते हैं कुमुलेटिव। कुमुलेटिव का मतलब है ऐड करना, मिलाना, ठीक है। जैसे एंड ऑल्सो बोथ एंड एज वेल एज नो लेस देन, ये याद रखना। एंड ऑल्सो बोथ के साथ एंड आता है, एज वेल के साथ एज आता है, या नो लेस के बाद टी एच ए एन देन आता है, तो ये होता है कुमुलेटिव। जैसे ही इज रिच एंड हैप्पी, दो सेंटेंसेस थे, देख भाई वो रिच भी है और खुश भी है, तो उसकी अमीरी में खुशी और जोड़ दी ना, तो ऐड कर दिया ना कुमुलेटिव ने। कुमुलेटिव का मतलब ही इट एड्स समथिंग, ये कुछ ऐड करता है टू द मीनिंग ऑफ वन पार्ट टू अदर पार्ट, एक पार्ट के दूसरे पार्ट में। जैसे रिया एज वेल एज दिया डैश कमिंग, अब मुझे यहां ये बताइए इज एम आर में से क्या आएगा? इज आएगा, क्योंकि एज वेल एज आर है ना, तो वर्ब किससे एग्री हो रही है? फर्स्ट सब्जेक्ट से। तो रिया एज वेल एज दिया इज कमिंग, तो रिया के साथ साथ दिया भी आ रही है, तो रिया को सब्जेक्ट मान रखा है, इसके साथ इज है, तो ये हो गया कुमुलेटिव। एक के साथ एक, देख रिया के साथ दिया और यहां अमीरी के साथ खुशी। फिर है अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव का मतलब होता है चॉइस, चॉइस मिलना, अल्टरनेट होना। तो देखो इधर के साथ और भाई, नीदर के साथ नोर, एल्स और या अदरवाइज, इधर और नीदर नोर, एल्स और या अदरवाइज। जैसे ये और कहा था कम और गो, तो ये कौन सा बना? अल्टरनेटिव, ठीक है। तो जैसे चूज वन इन गिवन अल्टरनेटिव, यानी आपने दिए हुए अल्टरनेटिव में है ना एक चूज करना है। जैसे इधर स्टे हियर और गो अवे या गेट अवे, या तो यहां रुकिए या चले जाइए, तो चॉइस एक एक करना है ना आपने, इधर कम है और गो अवे, या तो यहां आइए या चले जाइए। होता है अल्टरनेट, सॉरी एडवर्सेटिव। सेकंड था अल्टरनेटिव जिसमें चॉइस थी, अब थर्ड आ गया एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव मीन्स अपोजिट, उल्टा, तो अपोजिट, जिसमें बट यट स्टिल ओनली हाउएवर व्हाइल वेयर एज। एक बार फिर सुन लो, बट यट स्टिल ओनली हाउएवर व्हाइल वेयर एज, इसका मतलब है एडवर्सेटिव। आप सीधी बात करेंगे उल्टी हो जाएगी। तो जैसे ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी, वो अमीर तो है लेकिन खुश नहीं, उल्टा हो गया ना, अमीर होने का खुश होना चाहिए था। जैसे ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, पुअर होने का लोग समझते हैं कि भाई लूट खसोट करेगा, ईमानदार नहीं है, लेकिन ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, लेकिन वो गरीब जरूर है लेकिन ईमानदार है। तो ये क्या हो गया? एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव का मतलब होता है अपोजिट, उल्टा। ये चारों का मीनिंग पूछूंगा मैं आपसे। लास्ट है इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव का मतलब होता है रिजल्ट। इलेटिव का मतलब क्या है? रिजल्ट, परिणाम। एक ही है इसमें सो, ठीक है। ही इज इल या आई वॉज इल सो आई कुड नॉट कम, देखो मैं बीमार था, इस बीमारी का परिणाम क्या हुआ? मैं आ नहीं सका, तो रिजल्ट हुआ ना। तो फिर सुन लो, सबसे पहला था कुमुलेटिव। कुमुलेटिव इट एड्स वन फैक्ट टू अदर फैक्ट, एक बात में दूसरी बात जोड़ता है, ठीक है। दूसरा था अल्टरनेटिव। अल्टरनेट है, चॉइस है आपके पास, इधर और नीदर नोर, एल्स अदरवाइज, ठीक है। थर्ड था एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव मीन्स अपोजिट, उल्टा। सीधा काम करोगे उल्टा हो जाएगा, उल्टा करोगे सीधा हो जाएगा। और लास्ट था इलेटिव। इलेटिव मीन्स रिजल्ट, किसी का परिणाम, एक चीज पे दूसरी का परिणाम निर्भर होना। तो ये तो थे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, एक दूसरे को सहयोग कर रहे थे। अब आ जाते हैं सबोर्डिनेटिंग। सबोर्डिनेट का मतलब है एक प्रिंसिपल है और दूसरा उस पे डिपेंडेंट है। देखो ये रहा सबोर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लोज और दूसरी सबोर्डिनेट क्लोज, और वो दूसरी जो है उस पर डिपेंड होती है, उसको बोलते हैं सबोर्डिनेटिंग। और जो कनेक्टर से बिगिन होती है ना, जो कनेक्टर से बिगिन होता है ना पार्ट, उस पार्ट को कहते हैं सबोर्डिनेटिंग। ध्यान रखना जो कनेक्टर से बिगिन है, जहां कनेक्टर जहां से शुरू है ना वहीं से सबोर्डिनेट है। जैसे फर्स्ट है इसमें, ये देखो पहले एग्जाम्पल देख लो, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो कनेक्टर से बिगिन ये है ना भाई, तो ये क्या है? ये एससी है सबोर्डिनेटिंग। और यू विल पास क्या है? पीसी। तो पीसी एससी भी निकालना आता है कई बार, तो जो कनेक्टर से बिगिन है वो सबोर्डिनेट कंजक्शन, और जो नहीं है वो प्रिंसिपल क्लोज कह लीजिए या कुछ कह लीजिए। ऐसे ये वी ईट कनेक्टर तो नहीं, तो ये पीसी, और सो दैट वी कैन लिव ये सबोर्डिनेटिव, क्योंकि सो दैट कनेक्टर है।
ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा ना, जो कनेक्टर से बिगिन है वो सबोर्डिनेटिंग है। अब वन बाय वन करेंगे तो सबोर्डिनेट कंजक्शन ऑफ टाइम है। सबसे पहले टाइम है, आपको ये याद करना है कि टाइम में कौन कौन से कंजक्शन है भाई। ये आता है अंडरलाइन, इसका वर्ड है, जैसे ये है भाई, इसका नाम बताओ तो वेन का तो टाइम है, वेन एवर बी टाइल टिम अंटिल बिफोर सिंस, वेन वेन एवर टिल अंटिल बिफोर और सिंस, वाइल बी एज सुन एज लॉन्ग एज और जस्ट, ये सारे क्या है टाइम, याद कर लेना। वेन आई एंटर्ड द सेंटर, जब मैं सेंटर में मैंने प्रवेश किया, आई टॉक्ड टू द स्टूडेंट, तो तब मैंने बात की बच्चों से, तो आई टॉक्ड टू द स्टूडेंट तो पीसी हो गया, और वेन आई एंटर्ड द सेंटर क्या हो गया, एससी सबोर्डिनेट। ठीक है, तो आपने समझना कनेक्टर के बाद सबोर्डिनेट है और बिना कनेक्टर प्रिंसिपल है। देखो मैं यदि यहां कहूं आई टॉक टू द स्टूडेंट, मैंने स्टूडेंट से बात की, मीनिंग क्लियर है ना, लेकिन जैसे ही मैं कहूं व्हेन आई एंटर्ड द सेंटर, जब मैंने सेंटर में प्रवेश किया, तो सेंटेंस और स्टेटमेंट अधूरी है ना, अधूरी है ना, तो इसका मतलब ये सबोर्डिनेट है और ये प्रिंसिपल। नेक्स्ट और देखो, एज सून एज इट रेन्स, जैसे ही बारिश होती है, द फार्मर्स विल सो द सीड्स, तो फार्मर जो है बीज बो देते हैं। ठीक है, तो द फार्मर्स विल सो द सीड्स, फार्मर बीज बो देते हैं, मीनिंग क्लियर है। लेकिन यदि मैं कहूं एज सून एज इट रेन्स, जैसे ही बारिश होती है, मीनिंग क्लियर नहीं है। तो ये क्या हुआ, सबोर्डिनेटिंग, और ये हो गया प्रिंसिपल। तो याद रह जाएगा भाई टाइम। अब दूसरा एग्जाम्पल, अब दूसरा पॉइंट है भाई प्लेस। टाइम का तो टाइम बता दिया, अब प्लेस, प्लेस का मतलब स्थान, वेयर और वेयर एवर, वेयर वेयर एवर, यू कैन गो वेयर एवर यू वॉन्ट, तुम जहां जाना चाहते हो जाओ भाई, तो जहां कहां, तो इसका मतलब प्लेस, याद रखना वेयर वेयर एवर, और टाइम का तुम्हें पढ़ लिया है। और थर्ड आ गया आपका कोज, कोज का मतलब होता है कारण, रीजन, सिंस बिकॉज और एज, सिंस का मतलब भी कारण है, बिकॉज का मतलब भी क्योंकि है, और एज का मतलब भी, एज यू आर माई फ्रेंड आई विल हेल्प यू, क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड हो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो एज क्योंकि, बिकॉज भी क्योंकि, और ये सिंस भी क्योंकि। ठीक है, ही केम बिकॉज आई कॉल्ड हिम अप, वो आया क्योंकि मैंने बुलाया, वो आया मैंने बुलाया, तो बिकॉज, तो ये बिकॉज क्या है, कंजक्शन ऑफ सबोर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ कोज। ठीक है, तो ये कोज। नेक्स्ट है पर्पज, पर्पज होता है उद्देश्य, इसके एग्जांपल है बट दैट सो दैट इन ऑर्डर दैट और लेस्ट, सबसे ज्यादा याद रखना लेस्ट, और लेस्ट के बाद एक ही मॉडल आता है वो क्या है, शुड। ठीक है, तो एक बार देखो, दैट सो दैट इन ऑर्डर दैट और लेस्ट, इसका मतलब है पर्पज, पर्पज मीन्स उद्देश्य, जैसे वॉक हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ। ठीक है, मेहनत करने का एक पर्पज है ना तुम्हारा, क्या, पास होना, इस डर से तो बच के मेहनत कर रहे हो ना, तो वर्क हार्ड लेस्ट, तो तुमने चार किए हैं यहां सबोर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो एक पीसी है एक एससी। फर्स्ट है टाइम, टाइम में सारे वर्ड याद कर लेने, ठीक है, टिल अंटिल जो भी है, ये व्हेन व्हेनेवर टिल अंटिल बिफोर सिंस व्हाइल एज लॉन्ग एज और एज सून एज और जस्ट। दूसरा है प्लेस, वेयर वेयर एवर। तीसरा है कोज, सिंस बिकॉज और एज। और फोर्थ है इसमें पर्पज, दैट सो दैट इन ऑर्डर दैट और लेस्ट। और एग्जांपल डीपली बुक से कर लेंगे। रिजल्ट, कंजक्शन ऑफ रिजल्ट या रिजल्ट, रिजल्ट होता है बेटा परिणाम। देखो दो चीज होती है, कल किया था कोज, सॉरी कोज के बाद एक था पर्पज, पर्पज में तो सो दैट इकट्ठा आता है और रिजल्ट में आता है अलग अलग। ठीक है, तो सो दैट या सच दैट, यानी इनके बीच में कुछ आएगा, ये रिजल्ट है, और पर्पज में इकट्ठा था सो दैट, जैसे कि इज सो वीक, तो आप समझ गए भाई वो इतना कमजोर है, तो सो का पेयर क्या होता है दैट, तो दैट ही कैन नॉट इवन स्टैंड, इतना कमजोर है कि वो खड़ा भी नहीं रह सकता, उससे खड़ा नहीं हुआ सकता, तो सो वीक रिजल्ट है ना, इस कमजोर होने का रिजल्ट क्या है, ही कैन नॉट स्टैंड। फिर कंडीशन, कंडीशन के तीन चार ही वर्ड है, जैसे इफ सपोज अनलेस या प्रोवाइडेड, इफ सपोज अनलेस प्रोवाइडेड, तो शर्त लगा देते हैं, कंडीशन मीन शर्त, ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस ही वर्क्स हार्ड, वो सफलता नहीं पा सकता जब तक वो मेहनत नहीं करता, तो अनलेस नेगेटिव इफ पॉजिटिव, इफ इज यूज्ड फॉर पॉजिटिव अनलेस इज यूज्ड फॉर नेगेटिव, ये ध्यान रखना। कंडीशन, मैनर, मैनर होता है एक ढंग, वे ऑफ सेइंग वे ऑफ लिविंग, रहने का तरीका या कहने का तरीका, उसको बोलते हैं मैनर।
तो एज एज इफ एज दो और एज फार एज, एक बार फिर सुन लो, एज इफ एज दो और एज फार एज, इस ये कहीं भी अंडरलाइन हुए मिल जाए और मैनर दिखाए तो आप कह देना कंजक्शन ऑफ मैनर है। जैसे ही टॉक्ड टू मी, वो मुझसे ऐसे बात करता है एज इफ ही डैश माई फादर, जैसे कि मेरे पापा हो, तो बी आई है ब्रैकेट में, तो यहां क्या लगेगा भाई, वर, काल्पनिक उड़ान है ना, तो यहां क्या लग गया, वर। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, ही के साथ वैसे तो लगती है सिंगुलर फॉर्म, लेकिन क्योंकि काल्पनिक सेंटेंस है, इमेजिनेटिव टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, तो ये हो जाएगा वर। तो ही टॉक्ड टू मी, उसने मुझसे ऐसे बातें की एज इफ, जैसे कि ही वर माई फादर, जैसे वो मेरे पापा हो, तो ही के साथ वर और लग गया कनेक्टर क्या, एज इफ, मैनर। ठीक है, कंपैरिजन, तुलना करना, किसी से कंपेयर करना, एज 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 सो एज और देन, एज 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 सो एज और देन। तो देखो, सो एज इज यूज्ड फॉर नेगेटिव और एज इज यूज्ड फॉर पॉजिटिव, एज वेल एज नेगेटिव, एज नेगेटिव में भी यूज हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर नेगेटिव में यूज कौन होगा, सो एज। तो दो सेंटेंस है जैसे आपके सामने, ही इज नॉट डैश गुड एज यू, तो देखो नॉट आया है तो क्या आएगा, सो गुड, वो इतने अच्छे नहीं है जितने आप है, तो ही इज नॉट सो गुड एज यू, नेगेटिव है तो सो एज, पॉजिटिव है तो एज एज। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज डैश गुड एज यू, इतने अच्छे जितने आप, एज हो गया ना, तो यहां तो हो गया सो और यहां हो गया एज। तो नेक्स्ट है कंट्रास्ट, कंजक्शन ऑफ कंट्रास्ट, कंट्रास्ट होता है अपोजिट, उल्टा, दो ऑल्दो हाउएवर, तीन ही है ये, दो ऑल्दो हाउएवर, मतलब इनका मीनिंग एक ही होता है लगभग, क्या है, यद्यपि, दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, यद्यपि उसने मेहनत की, मेहनत करने का तो रिजल्ट पास होना चाहिए था, लेकिन यह हो गया क्या, फेल्ड, तो ही फेल्ड। नेक्स्ट है आई ट्राइड वेरी हार्ड, मैंने बहुत मेहनत की, हाउएवर आई कुड नॉट विन द रेस, फिर भी मैं रेस नहीं जीत पाया, तो सीधी सी बात है, मेहनत भी की और फिर भी रेस नहीं जीत पाया, तो उल्टा हो गया ना काम, तो कंट्रास्ट, तो ध्यान रखना ये कंट्रास्ट। फिर चार तरह के बताए थे वैसे, कल कराए थे दो, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, अब तीसरा जो है ना कोरिलेटिव कंजक्शन, जितने भी ये दो दो है ना, एक के साथ एक, यानी पेयर में जो आता है, पेयर जोड़े में जो आता है उसको बोलते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। जैसे ये पेयर में आएगा, ये लिखा है इन पेयर, इधर के साथ और आएगा, नीदर के साथ नोर आएगा, तुमने चेक करना है, और मिल जाए और नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस है तो इधर, नेगेटिव सेंटेंस है नोर मिल जाए तो नीदर, नीदर आ जाए नोर आएगा, बोथ आ जाए एंड आएगा, एंड आ जाए बोथ आएगा, नॉट ओनली आ जाए बट ऑल्सो आएगा, बट ऑल्सो आ जाए तो नॉट ओनली आएगा, तो समझ सकते हो आप, दो के बाद यट आता है, यट आ जाए दो आएगा। ठीक है, एक जो भी एक पेयर मिलेगा आपको, दूसरा पेयर आपने उसके कनेक्ट कर देना, वेदर के साथ भी हो रखता है, या तो ये कीजिए या ये, जैसे आई डू नॉट नो वेदर ही विल कम डैश नॉट, मुझे नहीं पता वो आएगा या नहीं आएगा, तो वेदर के साथ पेयर आता है, क्या आता है, और। ठीक है, कंपाउंड कंजक्शंस, कंपाउंड का मतलब है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड एज अ कंजक्शन इज कॉल्ड कंपाउंड कंजक्शन, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है ना कंजक्शन के रूप में यूज होते हैं तो उन्हें कहते हैं कंपाउंड कंजक्शन। जैसे कई वर्ड मिलके, जैसे इन ऑर्डर दैट, ऑन कंडीशन दैट, इवन इफ, सो दैट, एज दो, एज वेल एज सून एज इफ, ये सारे क्या है, कंजक्शन ऑफ, कंपाउंड कंजक्शन कह सकते हो। ठीक है, जो बहुत सारे वर्ड्स मिलके कंजक्शन का काम करते हैं उन्हें कंपाउंड कंजक्शन कहते हैं, फोर्थ पार्ट है इसका। तो चार पार्ट रखना, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव और कंपाउंड। अब नेक्स्ट है पेयर वाले याद करने हैं आपने कि भाई किस पेयर के साथ क्या आएगा, इधर के साथ और, नीदर नोर, सो दैट, सो एज और एज सो और एज एज भी। देखो सो एज एज सो, जैसे एज यू सो सो सेल यू रीप, जैसा बोगे वैसा काट लोगे, तो आया ना एज के साथ सो, एज के साथ एज भी है, कंपैरिजन जब आप कर रहे हो एज एज, और सो एज भी अपोजिट नेगेटिव, फिर वेदर के साथ और अभी किया है, नॉट ओनली बट ऑल्सो बोथ एंड, टी डबल ओ टू आ जाए तो टू टू टू, ठीक है टू टू, तो टी डबल ओ टू टू, नो सूनर के बाद देन आएगा और बीच में आ जाएगा क्या,
डेड भी आ जाता है ना, नो सोनर डेड, और हार्डली स्केर्सली जो है इनके बाद वैन आएगा, ये बोल पाते हैं दोनों, नो सोनर के बाद तो देन और हार्डली स्केर्सली के बाद वैन, टेस्ट के बाद आता है सुड, ठीक है।